अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को। देखो, नॉर्मल रिएक्शन वाइल ब्रिज क्रॉसिंग, या इसी को ना तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आप लोग देखे होंगे कि ब्रिज बहुत तरह के होते हैं। एक इस तरह से होता है जिसको कॉनवेक्स ब्रिज कहते हैं, एक इस तरह का होता है जिसको कॉनकेव ब्रिज कहते हैं, यस और नो? अब हम लोग एक एक डिस्कस ले लेते हैं। पहले ऐसा कर लेते हैं कि कॉनवेक्स ब्रिज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ व्हीकल, ठीक है, क्रॉसिंग थ्रू कॉनवेक्स ब्रिज, ठीक है, समझना, ये आपके पास इस तरह से कॉनवेक्स ब्रिज है, ठीक है। यहां पे एक व्हीकल है जी, इस तरह से, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहां पे वेट mg काम कर रहा है ना इस पूरे व्हीकल का, ठीक है, और रिएक्शन यहां पे क्या होगा, n1, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पर, मतलब उस ब्रिज के मैक्सिमम हाइट पर जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, n1 होगा। और यहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, अगर अंदर की तरफ, तो सेंट्रीफ्यूगल इधर काम करेगा, ऊपर की तरफ हम लोग कह सकते हैं mv2/r, ठीक है। तो यू नो व्हेन अ व्हीकल क्रॉसिंग थ्रू अ कॉन्वेक्स ब्रिज, यू नो, देन एट द मैक्सिमम हाइट, यू नो, एट द मैक्सिमम हाइट रिएक्शन इज n1, तो n1 + mv2/r = क्या हो गया, mg। तो n1 = क्या होगा बेटा, पता है, mg - mv2/r, क्लियर है? तो जब भी आपके पास कॉन्वेक्स ब्रिज पर कोई व्हीकल क्रॉस इस तरह से करती है, तो मैक्सिमम हाइट पर जो रिएक्शन होता है वो होता है mg - mv2/r। अब तुम कहोगे सर अगर ब्रिज इस तरह का है तब, कॉनकेव की तरह है तब, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, यू नो व्हेन अ व्हीकल, यू नो व्हेन अ व्हीकल क्रॉसिंग थ्रू अ कॉनकेव ब्रिज, यू नो कॉनकेव ब्रिज, देन यू नो एट द, यहां पे जो हाइट होगी, लोवेस्ट पॉइंट होगी, तो एट द लोवेस्ट पॉइंट यू नो रिएक्शन इज हियर, जस्ट चेक आउट हियर, यू नो दिस इज द ब्रिज, यू नो हियर इट इज व्हीकल, ठीक है। तो नीचे वेट mg काम करेगा, नॉर्मल ऊपर काम करेंगे, इसका नाम n2 रख लेता हूं मैं, ठीक है। और यहां पे जो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, एक्चुअल में ऐसा लगता है इस तरह के कंपोनेंट, वो क्या होगा, mv2/r, यस और नो? तो रिएक्शन n2 = mg + mv2/r, mg + mv2/r। तो जब भी कोई व्हीकल क्रॉस करता है कॉनकेव ब्रिज के थ्रू, तो लोवेस्ट पॉइंट पे जो नॉर्मल होती है वो होती है mg + mv2/r, और जब भी कॉन्वेक्स ब्रिज पर कोई व्हीकल क्रॉस करता है तो वहां पे जो नॉर्मल होता है बेटा, दैट इज द mg - mv2/r। काफी इंटरेस्टिंग है या नहीं? ओके.